प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को फिर कुछ अधिकारियों का तबादला किया गया। यूपी की चर्चित आईएएस अधिकारी और नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी का ट्रांसफर भी कर दिया गया है। उनकी जगह कानपुर कमिश्नर लोकेश एम को नोएडा प्राधिकरण का सीईओ बनाया गया है। रितु माहेश्वरी को आगरा का कमिश्नर बनाया गया। रितु माहेश्वरी 5 साल से नोएडा गाजियाबाद में काबिज थी। उन पर भ्रष्टाचार संरक्षण के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। रितु माहेश्वरी पर निर्माण कार्यों में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी की 200 करोड़ की एफडी में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं सब के चलते रितु माहेश्वरी का ट्रांसफर हुआ है। करीब 44 साल की रितु माहेश्वरी 2003 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। रितु मूल रूप से पंजाब की रहने वाली हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। रितु माहेश्वरी 2019 में नोएडा प्राधिकरण की सीईओ थी। उन्होंने कुछ महीनों तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ का भी पदभार संभाला था। कुछ दिन पहले उनसे ये जिम्मेदारी छीन ली गई। उसके बाद अब ट्रांसफर भी कर दिया गया। इसकी वजह ये भी है कि नोएडा में तमाम अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई, जिसको लेकर लखनऊ से काफी नाराजगी जाहिर की गई। हाईकोर्ट में अथॉरिटी के मामलों को ठीक से नहीं रख पाने को लेकर मुख्यमंत्री पहले भी कई बार नाराजगी जता चुके हैं। कुछ दिनों पहले अथॉरिटी के 200 करोड़ की बैंक ऑफ इंडिया में कराई गई एफडी को लेकर भी काफी हल्ला मचा था, जिससे मुख्यमंत्री कार्यालय खुश नहीं था। रितु माहेश्वरी को सेक्टर 82 नोएडा में हुए भूमि अधिग्रहण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था, जिसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। एससी के जस्टिस रमन्ना ने तब यूपी सरकार को काफी कड़े शब्दों में डांट लगाई थी कि आपके आईएएस अफसर न्यायपालिका का सम्मान नहीं करते। इसके साथ ही रितु पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया था। नोएडा में आई बाढ़ के दौरान भी नोएडा सीईओ जमीन पर कहीं भी नजर नहीं आई। नोएडा के जनप्रतिनिधियों ने भी सीईओ को लेकर मुख्यमंत्री से कई बार शिकायतें की थी कि वो काम करना तो दूर, किसी से जल्दी मिलती भी नहीं है। हालांकि इसके बाद एक दो बार वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने गई थी। शो विंडो सिटी नोएडा में सितंबर महीने में G20 के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिसको लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। 25 जून को जब योगी आदित्यनाथ नोएडा दौरे पर आए थे और उन्हें कार्यक्रम का प्रेजेंटेशन दिया गया था, तो वो काम की गुणवत्ता और स्पीड दोनों से ही बहुत नाराज थे। पिछले साल मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। मामला हाईकोर्ट की अवमानना का था। रितु माहेश्वरी को नोएडा प्राधिकरण के साथ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन हाल ही में उनसे ग्रेटर नोएडा की जिम्मेदारी वापस ले ली गई थी। तभी से अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्द ही इनका ट्रांसफर हो सकता है। वहीं किसान आंदोलन, बिल्डर बायर्स मुद्दा ट्रांसफर की बड़ी वजह बताई जा रही है। 2019 में नोएडा प्राधिकरण और साल 2022 में वो ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की सीईओ बनी थी। रितु माहेश्वरी गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट भी रह चुकी हैं। वो आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष भी थी। वो अमरोहा, गाजीपुर, पीलीभीत और शाजापुर की जिलाधिकारी भी रह चुकी हैं। वो यूपी कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम किया है। रितु माहेश्वरी के पति मयूर माहेश्वरी भी यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। आईएएस बनने से पहले उन्होंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी।